अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने बच्चों टॉपिक करना है, न्यूक्लियर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 का है, दैट इज़ मास इफ़ेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मास इफ़ेक्ट होता क्या है और उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सब हाँ इस पर जाएंगे आज के जो हमारे मेन टॉपिक हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मास डिफेक्ट होता क्या है। नाम से ही कुछ पता हमें चल रहा है कि मास में कुछ डिफेक्ट आया है किसी भी चीज़ में। हम देख रहे हैं को जो भी है उसमें कोई डिफेक्ट आया है। बेसिकली मास डिफेक्ट होता क्या है, देखा गया बच्चों, हम जानते हैं न्यूक्लियस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी से मैं न्यूक्लियस ले रही हूँ, वो न्यूक्लियस बना है प्रोटोन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, जब इस न्यूक्लियस इसके होल न्यूक्लियस का मास लिया गया, ठीक है, टोटल मास जब इसका लिया गया, ठीक, वो फॉर एग्जांपल जो भी था इन्होंने नोट कर लिया, ठीक, होल एज अ होल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस होल न्यूक्लियस का मास लिया गया। जब इसी न्यूक्लियस को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक करने का मतलब के मतलब हमने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट हो गए। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब टोटल मास लिया गया, ठीक, इसका भी टोटल मास लिया गया आफ्टर ब्रेक, आफ्टर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस, तो इसका भी टोटल मास लिया गया। तो देखा गया जो मास आफ्टर ब्रेक द न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का था, इनको मिलाने के बाद, वो ग्रेटर था उस मास के जो बाइंड हुआ था न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके टोटल मास से। तो मतलब जब हमारे पास न्यूक्लियस है एज अ होल न्यूक्लियस, इसका मास लेस था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास से। देखा जाए बच्चों, ये तो बना हुआ तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो मतलब एक ही चीज़ है ना, इसको ब्रेक करने के बाद तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही निकलेंगे और तो कोई चीज़ निकलेगी नहीं। तो मतलब इन दोनों से मिलके बना हुआ है तो होना ये चाहिए था, इन दोनों का मास जब हम ऐड करें तो इसका टोटल मास इसके इस न्यूक्लियस के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो न्यूक्लियस का मास था वो लेस था जो हमारे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इनके सेपरेटली इनका मास लिया गया उससे। अब ये जो मास है, जो मिसिंग मास है, अब जो ये जो मिसिंग मास है जो न्यूक्लियस में मिस हुआ, जो इसके में था और इसमें नहीं है, उस मिसिंग मास को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। सो वी कैन राइट द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, दैट मिसिंग मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक, मास डिफेक्ट को हम अब बाद में वो बात करेंगे, वो जो मिसिंग मास है जो न्यूक्लियस में वो कहाँ गया। इससे पहले हम इस मास डिफेक्ट को डिनोट करते होते हैं बच्चों डेल एम से, छोटी वैल्यू है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, कोई बड़ा मास नहीं होगा, डेल एम से हम डिनोट करते हैं और डेल एम कहलाता है मास डिफेक्ट। और ये इसके किसके इक्वल है, डेल एम इज इक्वल टू जेड, मैं अभी बताती हूँ, जेड क्या है आपके पास, प्लस इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, जी आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस ए माइनस जी इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन,
ये आपके पास न्यूट्रॉन का मैस है, तो जाहिर सी बात ये भी क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एलिमेंट है दैट इज हीलियम, फॉर एग्जांपल 4-2, ये आपके पास एटॉमिक नंबर कहलाता है, ये जी कहलाता है, ठीक है। तो ए को हम जब जी से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आते हैं, ठीक है। तो साथ में ही माइनस हमारे पास आता है मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो मैस डिफेक्ट को फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, साथ में ही हम मैस ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे, इसके बाद इसको ए को माइनस कर देंगे जी से। ये आपके पास एटॉमिक नंबर ये ए है और जी आपका ये कहलाता है नीचे वाला, इस तरह का जो एलिमेंट हमें लिखे दिए जाते हैं, ठीक है। अब यूँ इसको फाइंड कर सकते हैं, यह है मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस। हर जो एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस का मैस अलग होता है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन एलिमेंट हम लोग ये डेल एम फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अगला जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको मैंने कहा था कि वो क्या हुआ कि जो मैस था न्यूक्लियस का वो कहाँ गया, जो डिफेक्ट आया मैस के अंदर, वो न्यूक्लियस के मैस के अंदर वो मैस कहाँ गया। बेसिकली क्या हुआ कि मैस किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, वो वाला मैस एनर्जी में। कैसे, अब देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने में, न्यूक्लियस बनाने में जाहिर सी बात है कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये सेपरेटली हैं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में अब ये खुद से तो मिल जाएंगे नहीं, ठीक है। इनको बनाने के लिए, इसको न्यूक्लियस बनाने के लिए जाहिर सी बात है एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक। अब वो जो मिसिंग मैस था जो न्यूक्लियस में नहीं था, वो जो न्यूक्लियस में नहीं था मैस, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उस एनर्जी ने क्या किया, उस न्यूक्लियस को बनाया। समझ आई बात कि क्या हुआ, वो मिसिंग मैस जो इधर ज़्यादा था इधर कम था न्यूक्लियस में, वो मैस क्या करता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन। ये बात हम किसके ज़रिए कह सकते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि मैस से एनर्जी में कन्वर्जन हो रही है या एनर्जी से मैस में कन्वर्जन हो रही है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये मैस कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, ये वाला प्रोसेस हुआ यहाँ पे। इसके थ्रू हमने ये बात बताई कि क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है उसको बनाने में ये जो मैस यहाँ से गायब था, उस मैस वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उस एनर्जी ने इस न्यूक्लियस को बनाया, और दैट एनर्जी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जो मिसिंग मैस कन्वर्ट हुआ, तो बेसिकली हम कह सकते हैं मिसिंग मैस जो था कन्वर्ट हुआ इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज इक्वल्स टू आइंस्टाइन इक्वेशन डेल एम सी स्क्वायर, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू स्क्वायर टाइम, तो आपके पास निकल आएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली अब हम जो ऊपर इक्वेशन थी दैट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू जी एम पी प्लस ए माइनस जी इनटू एम एन, ये इनको मिक्स मत करिएगा, ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मैस ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें एन यू सी लिख लें, ठीक है। अब
बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास है बी डॉट ई रिप्रेजेंट बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी आपके पास होती है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर होता है आइंस्टाइन इक्वेशन जो है, ठीक है। तो हम स्मॉल मास की बात करें इसलिए हम उसको डेल्टा एम में लिख रहे हैं। आपके पास डेल्टा एम गिवन है तो डेल्टा एम की जगह हम पुट कर देंगे अबव इक्वेशन ए माइनस जी इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी अगर किसी भी एलिमेंट की अगर हमने फाइंड करनी है थ्रू दिस फार्मूला हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी आके इसमें यूज़ हुई हैं ये इक्वेशन, तो आपने इनको ध्यान से याद रखना है। और ये आपको बता रहा है मास ऑफ प्रोटॉन और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक। और जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा बच्चे, फिर इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एलिमेंट की अगर फाइंड करनी है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। आगे आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है। हमने पर न्यूक्लियस अगर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए आपको मैंने बताया था एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एलिमेंट है हीलियम, ठीक। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे ए से बोथ साइड हम ए एटॉमिक नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगी। न्यूमेरिकल में कई दफ़ा पूछा जाता है आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करें, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के बाद आपके पास जो एटॉमिक नंबर होगा उसको आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों, अगर हमने मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना हो, अभी हमने फाइंड किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसी तरह मास डिफेक्ट अगर पर न्यूक्लियॉन हमने फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। सेम वही फार्मूला डेल्टा एम वाला हम यूज करेंगे, दैट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको डिवाइड कर देंगे ए से, इसको भी डिवाइड कर देंगे ए से। तो ये हमें पर न्यूक्लियॉन मास डिफेक्ट बताएगा और ये पर न्यूक्लियॉन हमें बाइंडिंग एनर्जी बताएगी, ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे पास ग्राफ की तरफ। दो ग्राफ हमें बुक में गिवन है, फर्स्ट ग्राफ है उससे हमें क्या पता चल रहा है वो देखते हैं। जो देखें बच्चे आपकी बुक में जो फिगर है 21.3 उसमें हमें एक ग्राफ गिवन है जो कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन वर्सेस चार्ज नंबर है, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके चार्ज नंबर दिए हुए हैं जिनमें से कुछ मैंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है। स्टैनिक है और ये इन सब का एलिमेंट्स हैं ये, और ये जो हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इन सब का जाहिर सी बात है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन भी डिफरेंट है। सबसे पहले जो है हमारे पास वो वैल्यू गिवन है 0.009, उसके बाद है 0.008 माइनस साइन के साथ, और मास डिफेक्ट है इसी वजह से ये नेगेटिव साइन है। ये हमें ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ में हमें पता क्या चलता है। सबसे पहले अगर हम चीज़ देखें, देखो बच्चों कि मास डिफेक्ट सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का है, तो बेसिकली थर्ड पे ये है एलिमेंट दैट इज आयरन। ये नेगेटिव साइन के साथ है तो मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी ही बड़ी वैल्यू, आपके जितने पॉइंट्स में छोटी होगी उतनी बड़ी वैल्यू है।
तो मतलब आयरन जो है, जिसका चार्ज नंबर 30 है, उसकी उस सॉरी बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रही, मैं मैस डिफेक्ट की बात कर रही हूँ, कि जिसका मैस डिफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब जिस एलिमेंट ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया मैस, वो कौन सा है? आयरन। तो आयरन क्या है हमारे पास? सबसे ज़्यादा वो वाला एलिमेंट है जिसने मैस को लूज़ किया। तो जिसने ज़्यादा मैस लूज़ किया, इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमने कहा कि वो जो मैस होता है, लूज़ मैस, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इससे चीज़ हमें यह पता चली कि जो लूज मैस सबसे ज़्यादा करेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। मींस वो स्टेबल हो गया, जितनी जल्दी जितना वो लूज मैस करेगा उतनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल जो यहाँ एलिमेंट है वो कौन सा है? आयरन। तो MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट स्टेबल है वो कौन सा है। तो बेसिकली वो एलिमेंट कौन सा है आपके पास? आयरन है, ठीक है। तो फिर एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट यहाँ लूज़ कर रहा है मैस, वो है आयरन। लूज़ जितना मैस करेगा इतना वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना वो स्टेबल होगा। तो बेसिकली अब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, मतलब जिन इसका मतलब एक ये भी हो गया कि जितना मैस ज़्यादा लूज़ होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी ज़्यादा। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो एलिमेंट जिनका ऑलरेडी मैस बहुत ज़्यादा होता है, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो हैवी एलिमेंट्स ब्रोक होंगे। ब्रोक होंगे तो अब लार्ज एलिमेंट है तो बड़े वाले एलिमेंट्स हैं, अगर वो ब्रोक होंगे तो वो लार्ज ही एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ठीक, वो ये उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, जिनका मैस नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो लाइटर एलिमेंट हैं, वो लाइटर एलिमेंट क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, मिलके ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कोशिश करेंगे कि हम वो वाली स्टेट ले लें, वो वाली पोजीशन ले लें जिस पोजीशन पे अभी आयरन है, क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए उनको बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। तो वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ 0.007 के अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब होनी चाहिए। सॉरी, ये मैस डिफेक्ट है, सॉरी, ये जो लूज़ मैस है उतनी होनी चाहिए। अब मैं बात कर रही थी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, इसी का इस दूसरा ग्राफ देखते हैं। आपकी बुक में जो फिगर है वो 21.4 है, ठीक है। अब जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, ठीक। तो जो हमें इस साइड दी हुई है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। जो आपको वैल्यूज गिवन हैं वो वाई एक्सिस पे 20। अब इस ग्राफ से देखें हमें क्या चीज़ पता चली। सबसे पहले वहीं ये सॉरी फेरस है। मैंने कहा था कि जो फेरस है उसका जो मैस डिफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैस डिफेक्ट उसका सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यह हम देखें, आयरन ये रहा, ठीक, और ये आयरन का वाई एक्सिस, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है बाइंडिंग एनर्जी की वो यहाँ पे फेरस ही की है। दैट जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि
जिसका मैस्ड इफेक्ट ज़्यादा होगा वो वाकई उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो एलिमेंट हैं जिनका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है सबसे ज़्यादा हैं, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो अपने आप को ब्रेक करेंगे क्योंकि वो हैवी एलिमेंट्स हैं। ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने करते करते उनको इस लेवल की एनर्जी अटेन करनी पड़ेगी कि वो स्टेबल हो सकें। तो ये एलिमेंट्स अपने आप को ब्रेक करते जाएंगे और इस कोशिश करेंगे कि वो आयरन की सिचुएशन तक पहुंच सकें, आयरन जिस स्टेज पे है। उसी तरह यहाँ जो एलिमेंट्स हैं जिनका जो है क्या है एटॉमिक नंबर बहुत कम है, शॉर्ट एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कंबाइन होके एनर्जी को मिलाएंगे और वो इतनी एनर्जी कोशिश करेंगे लाने की जितनी अभी आयरन की है। दैट इज़ ऑलमोस्ट आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करेंगे, शॉर्ट एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे और उस एनर्जी को अटेन करने की कोशिश करेंगे। आगे इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो हम दो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो हैं एक तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि दो जो हैवियर एलिमेंट है लाइक यूरेनियम, वो अपने आप को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा, वो यही कि हम इस स्टेज पे पहुँचें कि वो स्टेबल हो जाएं। तो इसके बाद हम फ्यूजन में देखेंगे कि दो स्मॉल एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और जो भी हैं वो भी स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आगे जो हमारे प्रोसेस हैं इसी से रिलेटेड हैं। अच्छा बच्चों, आपकी बुक पे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की गई है हीलियम की, तो हम फाइंड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम ताकि आपको पता लग जाए अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है या मैस डिफेक्ट फाइंड करना है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करनी है या मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना है, ये सब के तरीके एक जैसे ही होंगे, बस आपने फार्मूला याद रखना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, दैट इज़ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आपके पास जो डेल्टा एम है वो इक्वल है जेड एम पी प्लस ए माइनस जी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इज मास ऑफ न्यूक्लियस और साथ में सी स्क्वायर। सी आपके पास इक्वल होता है 3×10⁸, ठीक हो गया। और इसके बाद जो आपको गिवन है वो गिवन आपको हमेशा मास होगा न्यूक्लियस का। ठीक है, जब भी अगर फाइंड करने के लिए आपको कहा गया जाएगा तो मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑलवेज गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा हीलियम क्या है, तो हीलियम के जो न्यूक्लियस का हीलियम के न्यूक्लियस का मास जो है वो इक्वल है आपके 4.00281 in AMU। एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, दैट इज़ आल्सो कैन बी रिटन एज 281 इनटू यू। आपकी बुक में सिर्फ यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है। ठीक है, तो पहली बात याद ये रखनी है कि जो भी न्यूक्लियस होगा, जो भी आपको एलिमेंट दिया होगा उसका मास जो है गिवन होगा आपको। अब बारी आती है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी, क्योंकि ये सबके सेम होते हैं, इनका मास ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास इन एटॉमिक मास यूनिट में इक्वल होता है 1.00727। कई दफ़ा ये आपको गिवन भी होता है, कई दफ़ा नहीं गिवन होता, तो बेसिकली आपने इसको याद रखना है। तो ये बिल्कुल इसी के इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, बस थोड़ा सा पॉइंट्स में ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये AMU में आपके पास यूनिट जो है गिवन है। उसके बाद हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg में,
और उसके बाद आपकी बुक पे जो बच्चों यूज़ किया गया है के जी में भी गिवन है, ठीक है, आगे हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ए एम यू में आपको इस तरह गिवन है, उसके बाद जो के जी में है आपको मैथ्स जो है वो इस तरह गिवन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या रह गया हमारा, इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ओ ए इक्वेशन जो है, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल है जी। अब आपको मैंने बताया था ये कहलाता है जी और ये ए, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो अबव पार्ट है दैट इज कॉल्ड ए और ये जी। अब जी है हमारे पास, जी आपको गिवन है दैट इज टू, मैस ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है दैट इज 1.00727 इन यू, ठीक है। साथ में प्लस ए आपके पास है 4 और जी आपके पास है 2, 4-2 इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.00866। उसके बाद मैस माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज 4.00281, इसके साथ ही सी स्क्वेयर, सो सॉरी मैं दिखाना भूल गई ये, ठीक है। मैं ये दोबारा आपको बता देती हूँ, ये जी है, साथ में मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी, साथ में मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वेयर, ठीक है। इन सब मैसेज को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आया 0.03034 इंटू सी स्क्वेयर, ठीक है। और ये यूनिट यू में है, ए एम यू में, ठीक हो गया। अब हमने इस यूनिट यू को, वन यू को चेंज करना है के जी में, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66×10^-27 के जी, आपकी बुक पे ये गिवन है। तो हम इस बाइंडिंग एनर्जी इक्वल जो है 0.03034×1.66×10^-27 के जी में कर दिया, साथ में सी स्क्वेयर। अभी मैंने सी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों, ठीक है। तो जब ये आपके पास आ गया के जी में, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5.02×10^-29 इंटू के जी और साथ में सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दें 03×10^-29, सी है आपके पास 3×10^8 का स्क्वेयर, स्क्वेयर लें 3 का स्क्वेयर 9, इसको स्क्वेयर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4.5×10^-12 जौल एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी जौल में आ गई। अब हमने क्या, उसने बुक पे इसको कन्वर्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.67×10^-19 से। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी इसको डिवाइड करने के बाद, दैट इज 0.2 2.82×10^7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, पॉइंट को शिफ्ट कर दें 28.2, तो पॉइंट एक शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्रॉस 10^7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा 22.28×10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज आल्सो कैन बी रिटन एज 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास रही बाइंडिंग एनर्जी। अगर फॉर एग्जांपल हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, ए से डिवाइड। तो ये ए यहाँ पे क्या है, हीलियम का, दैट इज 4, हीलियम 4-2, ये आपके पास ए है, इस 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये आपकी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना हो तो यहाँ देखें, यहाँ अगर मैंने सिर्फ यहाँ मैसेस को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, सी को यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। बेसिकली जब बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी होती है हम मैस को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली ये आपके पास मैस है, इसी मैस को ए से डिवाइड कर दें तो आपके पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों बस यहाँ तक कि अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हों, ठीक है, तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, फ़िलहाल के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।